अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार स्नैक की रेसिपी, जो कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, इसके अलावा शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं और टी पार्टी में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए आपने क्या करना है, एक फ्राइंग पैन लेना है और उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड कीजिएगा। उसके बाद 1 अदद आपने छोटी गाजर काट के डाल देनी है और 1 अदद शिमला मिर्च, उसको बारीक बारीक काट के इसमें डाल दें। 2 मिनट के लिए इसको कुक करें मीडियम फ्लेम के ऊपर। 1 से 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल दें, ठीक है, और इसके बाद आप इसको मिक्स कर लें। तकरीबन आपने इसको 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं 2 चम्मच के करीब चिली सॉस। 2 चम्मच के करीब इसमें शामिल कीजिएगा सोया सॉस, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सोया सॉस डालने के बाद अब इसमें डालें 1 टेबलस्पून केचप। ये सारी चीज़ें डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको दोबारा मज़ीद पकाइए। और 1 से 2 मिनट के बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। सो 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 कप के करीब पानी। ये मेरे पास बड़ा कप है तो ये मैं 2 डाल रही हूँ। अगर आप दरमियाना कप ले रहे हैं तब आपने इसमें 3 कप पानी डालना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर दें जनाब चटपटा जो नोर के नूडल्स हैं, उसके अंदर आपको एक मसाला मिलता है, साशे मिलता है, ठीक है, वो साशे आपने इसके अंदर डाल देना है जो नूडल्स का टेस्ट मेकर होता है। सो बेसिकली 3 पैकेट्स का मैंने साशे इसमें शामिल कर दिया है और ये डालने के बाद इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने नूडल्स इसके अंदर डाल देने हैं। आप तोड़ के भी डाल सकते हो, आप एज इट इज़ भी डाल सकते हो, मैं एज इट इज़ ही डाल रही हूँ। और नूडल्स डालने के बाद आपने इसको कवर करके 2 मिनट के लिए दरमियानी आंच के ऊपर कुक करना है। 2 मिनट के बाद आपने ढक्कन को उठाना है और नूडल्स आपके सॉफ्ट हो चुके होंगे। अब आपने क्या करना है, हल्का सा चम्मच चलाना है और इनको अलहदा कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना है। और इसके बाद दोबारा से आपने इसको कवर कर देना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और परफेक्ट बनेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन रख के पकाया था और पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। तो अब मैं ढक्कन नहीं रखूँगी, तकरीबन 30 to 40 seconds लगेंगे और ये ड्राई हो जाएगा। आप इन नूडल्स को ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो, ये बहुत मज़े के लगते हैं। मैं तो इस तरीके से बना के खाती भी हूँ तो ये बहुत मज़े के होते हैं। इसमें वेजिटेबल्स भी होती हैं, नूडल्स भी होते हैं, तो बच्चों के तो फेवरेट होते हैं जैसे कि आप लोगों को पता ही है नूडल्स, तो उनको बना के दीजिएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो नूडल्स हमारे पक चुके हैं, पानी ड्राई हो चुका था तो उनको मैंने उतार लिया है चूल्हे से। यहाँ पर मेरे पास 2 अदद ब्रेड के स्लाइसिस हैं, इनके ऊपर मैंने केचप डाली है और इसको मैं इवनली स्प्रेड कर दूँगी। आपने अच्छे तरीके से एक स्लाइस के ऊपर केचप लगानी है, ये ना हो आप कंजूसी कर दे, तो पूरा अच्छे तरीके से इसको कवर कीजिएगा ब्रेड के स्लाइस को केचप से। मज़ीद डालनी पड़े तो मज़ीद लगा लीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो केचप लगाने के बाद आपने इन स्लाइसेस को कवर कर देना है नूडल्स के साथ जो मैंने आपको बनाना सिखाए हैं, वो नूडल्स आपने इसके ऊपर लगाने हैं। और अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा, कंजूसी ना कीजिएगा, और ये बहुत हेल्दी सा स्नैक बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इवनली स्प्रेड कर दिए हैं नूडल्स, तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, जितना आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो नूडल्स डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर रखूंगी 1 अदद चीज़ का स्लाइस। यहाँ पे मेरे पास चेडर चीज़ का स्लाइस है, ये इजीली मार्केट से अवेलेबल होता है, इसको कद्दूकश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये मैंने 1 लगा दिया है इसके ऊपर। और दूसरा ब्रेड का स्लाइस मैं इसके ऊपर रख दूँगी और हम इसी तरीके से दूसरा भी बना लेते हैं। सो सबसे पहले आपने ब्रेड के स्लाइसेस पे लगानी है केचप, उसके बाद लगाइएगा नूडल्स जो कि आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर देने हैं, चीज़ का स्लाइस रखिएगा और इसे कवर कर दीजिएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। तो इसके लिए आपने फ्राइंग पैन लेना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना है, मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है और इसके अंदर आपने अपना सैंडविच रख देना है। तो सैंडविच रखने के बाद फ्राइंग पैन में अब इसके ऊपर दोबारा से मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ और अब इसको मैं उठा के चेंज करूँगी इसकी साइड। बेसिकली आपने दोनों साइड से इसको कुक करना है अच्छे तरीके से, इस तरह चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा और ब्रेड का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा निकल के आएगा, क्रिस्पी सा। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा कलर निकल के आया है। दोनों साइड्स को आपने यही कलर देना है और इसको सर्व कर लीजिए। तो ये 1 तैयार हो चुका है, इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना लूँगी। 1 टेबलस्पून ऑयल आपने डालना है, साथ ही आपने सैंडविच इसके अंदर प्लेस करना है और सैंडविच के ऊपर भी आपने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। और ऑयल डालने के बाद आपने क्या करना है, एक साइड से 30 से 40 सेकंड के लिए पकाइएगा और साइड को चेंज कर दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर निकल के आया है। तो ये बिल्कुल रेडी है, इसको भी हम निकाल लेंगे और आपको मैं कट करके दिखाती हूँ।
तो देखिए जनाब, ये क्विक सा स्नैक था और इससे बेहतर और आसान कुछ नहीं। अगर आपके पास वक्त बहुत कम है तो यहाँ पे मैं एक कट करके दिखा रही हूँ और आप देखिएगा कितना टेम्पटिंग और कितना मज़े का लग रहा है ये। बिस्मिल्लाह जी, देखिए कितना मज़ेदार स्नैक हमारा तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है मेरे अल्लाह ताला की रहमतें, ये है मेरे अल्लाह ताला की नेमतें जो उसने हमारे हाथों में दी और वो जायके जो उसने हमारे खानों में दिए। तो आपने भी इस स्नैक को लाजमी ट्राई करना है, मुझे फीडबैक देना है, पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ जो भी आप मेरी रेसिपी ट्राई करें ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज़ FM बावर्ची खाना, वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल का। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ और इसके अलावा नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाले घंटी के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।